जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज की प्रस्तुति में आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में वर्णित सत्यकाम जाबाल की जीवन कथा। सत्यकाम महर्षि गौतम के प्रिय शिष्य थे। वे एक ऐसी स्त्री के पुत्र थे जो उनकी माता यह बताने में असमर्थ थी कि उनके पिता कौन हैं और उनका गोत्र क्या है। सत्यकाम जो एक दासी पुत्र था, वह बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिशाली और सौम्य था। उसके मन में निरंतर नए नए प्रश्नों की वर्षा होती रहती थी। एक दिन उसके मन में गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पैदा हुई। वह चाहता था कि ब्रह्म ज्ञान के विषय में जाने। उसने अपनी माता से अपनी इच्छा प्रकट की। माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे गुरुकुल में जाकर शिक्षा अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। सत्यकाम गौतम ऋषि के आश्रम में गया और उनसे हाथ जोड़कर बोला, क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ आचार्य? गौतम ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने उस छोटे से बालक को कहा, प्रश्न करना बहुत अच्छी बात है, परंतु यह आग्रह तुम्हारे पिता को मुझसे करना था। सत्यकाम यह सुनकर बोला, मेरे पिता नहीं है आचार्य। तो गौतम ऋषि ने कहा, फिर तो तुम जाओ और अपनी माता से अपने पिता, अपने कुल और अपने गोत्र के बारे में पता करके आओ। कुल और गोत्र की श्रेष्ठता मेरा शिष्य बनने के लिए अनिवार्य है। संभव है मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकूं। यह सुनकर सत्यकाम मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है, कुल और गोत्र का नाम क्या है? सत्यकाम की माँ जबाला चूंकि एक दासी थी जो अपने स्वामियों द्वारा गर्भवती हुई थी, उसके लिए ये बताना संभव नहीं था कि वो किसका पुत्र था। सत्यकाम की माता ने अपने पुत्र से कहा, सत्यकाम जाओ और अपने आचार्य से कहना कि मेरी माता ने बहुत से लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे वास्तविक पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना संभव नहीं है। जाओ जाकर अपने आचार्य से कहना, मैं जबाला का पुत्र हूँ और मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। यह भारत में प्राचीन काल से चले आ रहे आश्रमों की प्रथा थी कि किसी भी शिष्य को अपने गुरुकुल में दाखिला देने से पहले उसका गोत्र पूछा जाता था। लेकिन सत्यकाम कथा के संदर्भ में महर्षि गौतम ने जो फैसला लिया, उन्होंने प्राचीन इतिहास की दिशा को ही बदल कर रख दिया। जब महर्षि ने सत्यकाम से उनका गोत्र पूछा तो उन्होंने ठीक वैसे ही जवाब दिया जैसा कि उनकी माता ने समझाया था। उन्होंने साफ लफ्जों में खुद को जबाला का पुत्र बताया और कहा कि यही उनका गोत्र है। सत्यकाम का उत्तर सुन महर्षि को हैरानी हुई, लेकिन फिर उनकी सच्चाई की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सत्यकाम को गुरुकुल में रख लिया। उनका मानना था कि एक सच्चा इंसान सभी गोत्र बंधनों से ऊपर है। वे बोले, इतना सत्यवादी और स्पष्टवादी बालक ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। फलस्वरूप आचार्य ने सत्यकाम को ब्राह्मण का गोत्र देते हुए स्वीकार कर लिया। एक दिन सत्यकाम ने अपने गुरु से ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछा। गौतम ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने आश्रम की गायों में से 400 दुर्बल गायें छांटी और सत्यकाम को उन्हें जंगलों में चराने के लिए सौंप दिए। गुरु जी का आदेश मानते हुए सत्यकाम ने यह कार्य स्वीकार कर लिया और वो गायों को लेकर जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में सत्यकाम ने सोचा, मैंने गुरुजी से कहा कि मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु न जाने क्यों उन्होंने मुझे गायों के साथ जंगल में भेज दिए। वहां ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? किंतु शीघ्र ही सत्यकाम ने इस बारे में सोचना छोड़ दिया और सोचा, यहाँ बहुत शांति है और जिधर देखो उधर प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है। इतना कहकर वो जंगल की ओर रवाना हो गए। सत्यकाम बहुत समय तक जंगलों में रहे। उन्होंने पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा के साथ उन गायों का ध्यान रखा। उन्हें समय पर चारा देना, उनकी देखभाल करना, उन्हें जंगली जानवरों से बचाना तथा उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना ही सत्यकाम का धर्म था। एक दिन संध्या को जब पशु विश्राम कर रहे थे, तब वह सोचा, ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त करे?
सत्यकाम की सच्ची तपस्या से प्रसन्न होकर वायु देवता एक बैल का रूप धारण कर उसके सामने आए और बोले, हमारी संख्या अब सहस्र हो गई है, अब हमें आचार्य जी के पास ले चलो। उससे पूर्व मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान देता हूँ। वे बोले, सत्यकाम, ब्रह्म उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, प्रकाशमान ये चारों दिशाएं ईश्वर की ही अंश हैं। सत्यकाम सोचता है, यह सत्य है, ब्रह्म हर जगह है, फिर उसे क्यों खोजें। उसी दिन सत्यकाम पशुओं को लेकर गौतम ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़ा। सूरज डूबने पर उसने एक जगह ठहर कर आग जलाई। उसे लगा कि अग्निदेव बोल रहे हैं, ब्रह्म धरती में है, आकाश में है, वायु में है, सागर में है, ब्रह्म आकाश के समान अनंत है। अगले दिन सत्यकाम सूरज उगने पर सोचा, सूर्य कैसे प्रकाशमान होता है, आश्चर्य है, कौन देता है उसे यह प्रकाश। इसका उत्तर उसे एक उड़ती हुए हंस ने दिया, ब्रह्म सूर्य में है, चंद्रमा में है, दामिनी में है, अग्नि में है। सत्यकाम हंस की बातें सुनकर सोचा, निसंदेह ब्रह्म ही सूर्य को प्रकाश देता है। सत्यकाम के मन में विचारों का ज्वार उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा, किसके प्रताप से मैं श्वास लेता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, विचार करता हूँ। इसका उत्तर उसे एक उड़ती हुई चिड़िया ने दिया कि ब्रह्म के प्रताप से हम श्वास लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और विचार करते हैं। इस प्रकार सत्यकाम पूर्ण ज्ञानी होकर आश्रम पहुंचा। गौतम ऋषि सत्यकाम को दूर से ही देखकर सब कुछ समझ गए। गौतम ऋषि बोले, सत्यकाम, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर तुम तेजस्वी दिखाई दे रहे हो, तुम्हें यह ज्ञान किसने दिया। सत्यकाम के मुख पर ज्ञान का अपूर्व तेज झलक रहा था। सत्यकाम विनय पूर्वक बोला, मनुष्य की अपेक्षा अन्य देवताओं और प्राणियों ने ही मुझे ज्ञान दिया, परंतु भगवान आपके मुख से वह ज्ञान पुनः सुनने की मेरी इच्छा है, क्योंकि आचार्य के द्वारा जो विद्या प्राप्त होती है वास्तव में वही श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार उसने देवताओं से भी अधिक अपने आचार्य को महत्व प्रदान किया। आगे चलकर सत्यकाम बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए और उनसे शिक्षा ग्रहण कर कई शिष्य ज्ञानी बने। छांदोग्य उपनिषद में वर्णित सत्यकाम की यह कथा इस बात का उदाहरण है कि एक स्त्री सिर्फ भोग की वस्तु नहीं होती। यदि पिता का नाम आपके नाम से न जुड़ा हो तो आपके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है, परंतु सत्यकाम की माँ जबाला एक दासी जो यह भी नहीं जानती थी कि उसके पुत्र का पिता कौन है और उसकी सूझबूझ से उसके संतान को एक महान महर्षि द्वारा अपनाया गया। उसकी संतान के लिए आचार्य ने गुरुकुल की सदियों पुरानी रीति को बदला और उसे स्वयं ब्रह्मचर्य का गोत्र दिया। दोस्तों, हमारी प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।